अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी रेस्टोरेंट स्टाइल से। आओ चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मैंने 4 शिमला मिर्च ली हूँ मीडियम साइज़ के, इसे मैंने अच्छे बारीक कट कर लिए हैं, और 6 टमाटर लिए हैं बड़े, क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा लगते हैं पाव भाजी में, क्योंकि ज़्यादा खट्टा ज़्यादा रहता है इसमें, तो इसके लिए मैंने 6 टमाटर ले ली हूँ बड़े, और 5 हरी मिर्ची और 1 वाटी वटाना, पाव भाजी मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन, धनिया पाउडर, बटर और 3 मीडियम साइज़ के बटाटे मैंने बॉईल करके रख दिए हैं, और ये 3 मीडियम साइज़ के कांदे, और ये कस्तूरी मेथी, और ये कोथमीर, नमक और फूड कलर। हम इसे अब बनाना तैयार करते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, फिर इसमें ये टमाटर और शिमला मिर्च डाल देंगे, मिर्ची भी मिक्स कर देंगे, और वटाना भी डाल देंगे। गैस पास करेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे। थोड़ा नमक डालेंगे, अच्छी तरीके से हिलाएंगे, और गैस फास्ट गैस पे पकाएंगे, क्योंकि हर शिमला मिर्च वटाना टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। गैस स्लो नहीं करना है। इसमें हम 1/2 ग्लास से हमें ढक कर 2-3 मिनट तक पकाना है फास्ट गैस पे। चलो अब देखते हैं, 5 मिनट हो गए, गैस स्लो कर लेंगे, भाजी पूरी कर लेंगे। इसमें अभी हम बटाटे खिला लेंगे बॉइल किए हुए, अच्छा मैश कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर इसके बाद इसे उतार कर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये सब
भाजी बटाना और शिमला मिर्च सब मेल्ट हो जाए। अगर आपको इसमें फूल गोभी भी चाहिए तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं डाला इसमें, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। अच्छे से नरम हो गया है, इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छा पास गैस पे अच्छे से हिलाना है, फिर इसमें अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच पाव भाजी मसाला और नमक अपने हिसाब से डालेंगे, क्योंकि बटर में ज़्यादा नमक होता है। मिक्स कर दी, इसे अच्छे से मिक्स कर दी। सिलो आंच में इनको अच्छे से अगर आपको पतली चाहिए तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, और एकदम गाढ़ी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ठंडी होने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा घट हो जाती है। इसके लिए इसमें आधा ग्लास पानी भी डालेंगे। कस्तूरी मेथी डालेंगे, और जो मैंने फूड कलर रखी हूँ वो भी डालेंगे। इसको अच्छे से माशाल्लाह कलर कितना प्यारा हो गया। इसको जरा अच्छे से पकने देंगे। देखो हमारी भाजी पाव भाजी तैयार हो गई है। इसमें हम अभी कोथमीर डालेंगे। और थोड़ा मस्का डालकर इसे बंद कर देंगे। ये हमारी पाव भाजी तैयार हो गई। ये मैं अभी फ्राई पैन रखी हूँ, पास करेंगे थोड़ा इसमें
बटर डालेंगे। पाव को पहले ऐसा हमने फ्राई पैन गैस पे रख दिया है और पाव हमने दो पाव लिए, इसको ऐसे काट दिए। अब हम थोड़ा बटर डालेंगे और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। इसको ऐसे अच्छे तरीके से सेक लेंगे। मसाले वाला पाव तैयार। ये हमारा तैयार हो गया। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और मुझे कमेंट में बताओ कि मेरी रेसिपी कैसी लगी।